हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको डबल कलर की बहुत ही आसान एंड खूबसूरत स्वेटर डिज़ाइन। डिज़ाइन शुरू करने के पहले, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहला वीडियो देख रहे हो, पहला डिज़ाइन देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सी आसान सी स्वेटर डिज़ाइन बताऊँगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको बनाना हो, ठंडी गर्मी या जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, डिज़ाइन को पूरा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आप इसे डबल कलर में बनाओगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा एंड मल्टी कलर में बनाओगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा। आपके पास बचे हुए ऊन थोड़े से हैं तो आप 100-200 ग्राम एक ले लीजिए, जिससे आप बॉर्डर बना लीजिए, बेस रख लीजिए, बाकी सारे ऊन को मिलाकर बना लीजिए, बिल्कुल रेडीमेड जैसे लगेगा। और बच्चों के स्वेटर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बेबी बॉय, गर्ल, कार्डिगन, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर। तो चलिए बनाना भी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे, पहली सिलाई सीधे की तरफ से। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप किया, बाकी के सारे फंदे को हम ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये है हमारी पहली सिलाई। बॉर्डर बनाने के बाद आपको सीधे की तरफ से, जिस कलर से आप बॉर्डर बनाए रहेंगे उसी कलर से आपको सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। पहली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा, और दूसरे फंदे को उल्टा बुना, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जिस प्रकार से हम बॉर्डर बनाते हैं, स्वेटर बॉर्डर ऐसे ही तो बनाते हैं, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। मतलब ये बहुत ही बेस्ट बॉर्डर होता है और लगभग 90% लोग इसी बॉर्डर को पसंद करते हैं, जो सीखता है। बाकी जो आ गया है, एक्सपर्ट हो गया है, वो तो भाई एक नया ही डिज़ाइन बनाएगा, नया ही बॉर्डर बनाएगा हर बार। ये लास्ट के फंदे को आप चाहे उल्टा बना लो, चाहे सीधा। तो देखिए, जिस कलर से यहाँ पर हम कलर को लगा दिए हैं, तो जिस कलर से हम बॉर्डर बनाए हैं उसी कलर से दो सिलाई, राइट साइड सीधे की तरफ से पूरे फंदे को हमने सीधा सीधा बुनना है, उल्टे की तरफ से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ठीक। दो सिलाई कंप्लीट होगी। अब हम अपने कलर को चेंज करेंगे। कलर को चेंज किया, दूसरा फंदा सीधा बुना, इसके बाद ये फंदे को स्लिप करेंगे, देखिए ऐसे सीधा स्लिप किया, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हमको सीधा बुनना है, ये इसे स्लिप करना है, जो उल्टा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है, इसे स्लिप करना है, उल्टे वाले फंदे को सीधा बुनना है, स्लिप किया, सीधा बुना, स्लिप किया एंड सीधा बुना, ये। तो इस प्रकार से तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। कलर लगाने के बाद जो उल्टा उधर से दिख रहा है उसे हमें बुनना है, जो सीधा दिख रहा है पहले से ही उसे हमें स्लिप करना है, बिना बुने उतार लेना है। चौथी सिलाई ऐसे ही करना है, धागा पीछे करेंगे, जो स्लिप वाला फंदा है उसे स्लिप करेंगे, और जो बिना वाला फंदा उसे भी सीधा बुनेंगे, उल्टे की तरफ से सीधा ही बुनेंगे, धागे को पीछे ही रखेंगे, ये, और सीधा बुनते चले जाएंगे, इसे उतार देंगे बिना बुने, उसे सीधा बुनेंगे, इसे उतार देंगे बिना बुने, उसे सीधा बुनेंगे। हो गई चार सिलाई की डिज़ाइन कंप्लीट। अब डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गई, बट एक बार आप और देख लीजिए, इसलिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो फ्रेंड समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं, वो तो अब बना सकती हैं, बट एक बार और बता दें जो बिगनर्स हों, जो भी सीख रही हों, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रिपीट पैटर्न कैसे मैंने बनाया, पहली सिलाई से चौथी सिलाई तक, मतलब सारे फंदे को आपको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट किया, और उल्टे की तरफ कैसे किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे ही किया था ना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही बनाना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था। ये तो रिपीट पैटर्न है, चार सिलाई तो हमने बता ही दी है, ये हो गए। अब बस
फिर से वही करना है। इस फंदे को लगाएंगे, जो उल्टा बुना है उसको बुनेंगे, सीधे वाले को स्लिप करेंगे, ठीक उसी प्रकार से। अब जब यही आप चार सिलाई बार बार रिपीट करोगे तो ऐसा पैटर्न कंप्लीट होगा। ये देखिए, और ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो स्लिप वाला फंदा है, वैसे मतलब जो कुछ नहीं चेंज करोगे आप तो आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी डिज़ाइन ख़राब हो गई तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो ये सीधा स्लिप वाला फंदा आपको दिख रहा है, इसको हर बार आपको स्लिप करना रहेगा। तो आप इस डिज़ाइन को गाइस ट्राई करिएगा और हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियोज़, नेक्स्ट डिज़ाइन। टेक केयर, बाय बाय।